अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वी आर हेयर फ्रॉम होम अटायर एंड फैंसी स्टोर। और आज की वीडियो में, ये हमारी थर्ड वीडियो है बेसिकली मक्स के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 7-8 महीने से मैंने आपको जो भी वीडियोस बना के दिखाई थी मक्स की, वो स्टॉक जो है वो ख़त्म हो गया है। और अब दोबारा जो नया स्टॉक आया है, काफ़ी सारे कस्टमर्स मुझे जो है वो कमेंट्स में कह रहे थे उन वीडियोज़ में कि सर आप पुराना जो आपका स्टॉक है वो तो ख़त्म हो गया, नया जो स्टॉक है काइंडली उसके बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करें वीडियो बना के। तो ये सारा जो है वो नया स्टॉक आया है, इसमें आप देख सकते हैं एक दो डिज़ाइन रिपीटेड हैं, बाकी सब जो है वो नए प्रिंट्स आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछली दफ़ा आप लोगों का जो रिस्पांस था उसके लिए मैं आप लोगों का काफ़ी शुक्रगुजार हूँ। तो इसी तरीके से हमारे चैनल को, होम अटायर को ज़रूर सब्सक्राइब करते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। आप लोगों के ही लिए जो है वो ये वीडियोस बनाते हैं। हमारे पास हाउस होल्ड से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, इन सब के बारे में आपको वीडियोज़ में बताते हैं। तो आज की वीडियो में जो है हमारी मक्स की जो नया कलेक्शन आया है उसको आपको दिखाएंगे। तो मेक श्योर करिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास पोल्का डॉट्स में ये जो डिज़ाइन आए हैं ये थोड़े रिपीटेड हैं। लास्ट जो मैंने सेकंड वीडियो बनाई थी इससे पहले वाली, उसमें भी कुछ डिज़ाइंस थे और कुछ थोड़े से चेंज होकर आए हैं, ठीक है ना। और ये वाली जो वीडियो है इसके अंदर आपको देख सकते हैं कि जितने भी हमारे पास ये चेक्स वाले जितने भी डिज़ाइंस आए हैं ये सब नए आए हैं, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास ज़्यादातर चेक्स वाले डिज़ाइन जो है इस दफ़ा काफ़ी अच्छे आए हैं हमारे पास। और इसी तरीके से हमारे पास ये सब सेरेमिक्स के मग्स हैं बेसिकली, और क्वालिटी वाइज ये सब इम्पोर्टेंट मग्स हैं। क्वालिटी फिनिशिंग बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर जो है होते हैं। फिनिशिंग वगैरह भी आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है वो इसकी है। अगर मैं आपको ऊपर से भी दिखा दूँ इसको तो ये आप देख सकते हैं किस तरह की जो है उसकी फिनिशिंग और क्वालिटी वगैरह सब चीज़ इसकी है, ठीक है ना। पाकिस्तानी मक्स के अंदर हमारे पास अनफॉर्चुनेटली अभी कोई नया स्टॉक नहीं आया, वही पुराने वाले जो हमारे पास हैं वही प्रिंट्स जो है वो चल रहे हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेड वाले थे वो सब जो है वो सेल हो गए थे, दोबारा से जो है नया स्टॉक इन हुआ है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। और ये देखें काफ़ी सारे जो है वो ये जो मैंने लास्ट वीडियो में बताए थे इसमें, और मज़ीद जो है यहाँ पर जो हमारे पास जो स्टॉक नहीं खुला था वो भी जो है अब यहाँ लग चुका है। तो ये सारे प्रिंट्स जो है वो ये हैं, रिलेटिवली सस्ते होते हैं पाकिस्तानी, जैसे कि मैं अपनी पुरानी वीडियो में बताया था आपको कि जो पाकिस्तानी होते हैं वो थोड़े सस्ते होते हैं। फिनिशिंग जो होती है इनकी थोड़ी सी लो क्वालिटी की होती है, ठीक है ना। होते हैं बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसे मिसप्रिंट वगैरह हो जाते हैं थोड़े बहुत, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये पाकिस्तानी लोकल मग्स के अंदर की सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इनकी प्राइसेस रिलेटिवली कम होते हैं, इनमें काफ़ी सारी जो है कॉपीज़ आती हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, फर्स्ट कॉपी, सेकेंड कॉपी, इस तरीके से आपको काफ़ी सारी क्वालिटी वाइज होता है। जिस तरीके से फ्रूट्स वगैरह सेल होते हैं कि अच्छे वाले जो होते हैं उनकी प्राइसेस जो है वो 50 रुपये ज़्यादा होती हैं, फिर थोड़े से जिसमें दाग धब्बे थोड़े ज़्यादा होते हैं उसकी प्राइसेस थोड़ी कम होती है, इस तरीके से इसका भी हिसाब किताब है। तो फिनिशिंग वाइज जो है वो माल को छाट के अलग कर देते हैं तो आपको रिलेटिवली कम पैसों पर भी स्टॉक मिल जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो हमारे पास स्टॉक आता है वो हम अच्छे से अच्छे स्टॉक लेने की कोशिश करते हैं, ताकि ये है कि क्योंकि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर को जो है वो सारी अच्छी चीज़ देनी चाहिए, क्योंकि जिसके प्राइसेस भी जो है वो नॉर्मल हो, ठीक है ना, और क्वालिटी भी अच्छी हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये दो डिज़ाइन है, ये ऊपर वाले हैं, यहाँ पर गलती से आ गए हैं तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और बाकी जितने भी हैं हमारे पास यहाँ पर, ये सब जो है वो आपको, ये जितने भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारे, ठीक है। और ये भी इम्पोर्टेड का ऊपर लगा हुआ था, आई थिंक थोड़ा मिक्स कर दिया इन लोगों ने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारे डिज़ाइन जो है वो लोकल के अंदर मौजूद है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास कप सॉसर्स की भी वैरायटी वगैरह मौजूद होती है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और वैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में दिखाया है कप सॉसर का भी, कोई नया स्टॉक अभी आया नहीं है इस वक्त, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं, इसके अलावा ये हमारे पास, ये देख सकते हैं कि सारे हमारे पास मार्बल के अंदर भी मग्स होते हैं लुमिनाक वगैरह के, और ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके भी कुछ डिज़ाइन जो है वो नए आए हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसमें साइज़ आते हैं, दो साइज़, एक बड़ा साइज़ होता है, एक छोटा साइज़ होता है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और तो जनाब ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी मक्स के बारे में। मैंने जिस तरीके से आप लोगों का रिस्पांस है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे चैनल को आप जितना सपोर्ट कर रहे हैं तो इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। और मज़ीद जो हमारे पास हाउस होल्ड से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में हमारे चैनल पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। स्टेनलेस स्टील की पूरी वाइड वैरायटी होती है हमारे पास, और हाउस होल्ड से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब के बारे में आपको हमारे पास जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है ना। मैंने अपनी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई है जिसमें आपको प्रोडक्ट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, और हमारा जो स्टोर है उसका पूरा मैंने आपको टूर कराया है, ठीक है ना, विजिट कराया है। काफ़ी सारे गैजेट्स होते हैं, प्लेट्स होती हैं, मतलब हाउस होल्ड में जितना भी सामान इस्तेमाल होता है अल्हम्दुलिल्लाह सारा हमारे पास होता है। डाइनिंग टेबल के कवर्स, उसकी वीडियो मैंने बनाई है, आप लोगों का रिस्पॉन्स जो है वो काफ़ी अच्छा है उसके अंदर भी। तो जनाब ये थी आज की वीडियो, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में और मज़ीद जो हाउस होल्ड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।